गुड टू सी यू स्टूडेंट्स दिस इज बाम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियजम इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द रिबेलियन इन फॉरेस्ट स्टूडेंट्स आई होप की आप सभी अपने घरों में सिफ होंगे ठीक होंगे और जो एक पेंडेमिक सिचुएशन है इस सिचुएशन से आई होप कि आप लोग पूरी तरह से फाइट कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं वी नीड टू ओवरकम इफ़ वी नीड टू ओवरकम फ्रॉम दिस पैंडमिक सिचुएशन आपको जो गाइडलाइंस पूरी तरह से बता दिया है उन गाइडलाइंस को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और आपको करना ही होगा और साथ ही साथ अपने घरों में रहिए सेफ़ रहिए और जो कोविड नाइन्टीन के गाइडलाइंस बता दिए हैं उनको पूरी तरह से फॉलो कीजिए और अगर हमें कोरोना को हराना है तो हमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो है इन सिचुएशन से फाइट करना होगा और आपको इस का माध्यम है जो है वो जो गाइडलाइंस है वो पूरी तरह से आपको फॉलो करने हैं साथ ही साथ स्टूडेंट्स की आई होप कि आप सभी अपने जो घरे हैं उनमें कम्युनिटी क्लासेस जो आपका हो रहा है आई होप कि आप उन क्लासेस को पूरी माध्यम से ले रहे होंगे और ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो है यहाँ पर आकर लाइव क्लास लें आप यूट्यूब से भी कैच कर सकते हैं इसके अलावा आप अगर एक वोट भी सीख जाएं अबाउट रिबेलियन इन फॉरेस्ट तो आप इसके लिए अपनी कम्युनिटी क्लासेस जो पार्टिकुलर अलग अलग जगहों पर जो हो रहा है उनमें भी ज़रूर आप अटेंड कीजिए ज़रूर ये एक ज़रूरी बात होता है क्योंकि आप कम्युनिटी क्लासेस क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमें फ़ोन भी आ रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज भी कर रहा था कि सर क्या हम इन क्लास के साथ साथ कम्युनिटी क्लास भी अटेंड कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हो क्यों नहीं कर सकते हैं आप अगर आप एक वोट भी अलग अलग जगह से आप सीख रहे हो दैट मीन्स आपकी जो कैपेसिटी uh, लेवल है ऑफ नॉलेज वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और ज़रूरी नहीं होता कि आप यहाँ पर आकर क्लास लें आप लाइव क्लास में आकर क्लास लें यूट्यूब से भी आप क्लास लें अगर आपको सारा कुछ कम्युनिटी क्लासेस से मिल रहा है तो आप वहाँ से भी कैच कर सकते हैं ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर आकर क्लास लेंगे तो स्टूडेंट्स uh, आपको अगर एक बात याद रखनी है दैट इज़ आप ज़रूर से कम्युनिटी क्लास ज्वाइन करें क्योंकि कम्युनिटी क्लास से भी आप बहुत सारे चीज़ें सीख सकते हैं और इसके अलावा हाँ स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी क्वेरीज और भी रहता है कोई भी डाउट रहता है तो आप बाकी की जो चीज़ें हैं आप यहाँ आकर डिस्कस कर सकते हैं ये ज़रूरी हैं बट uh, सबसे मोस्ट इंपॉटेंट थिंग इज़ दैट आप कम्युनिटी क्लासेस ज़रूर अटेंड कीजिए और कोई भी डाउट रहता है तो आप ज़रूर इस माध्यम से ज्वाइन करके बिल्कुल हमें बता सकते हैं इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ ज्वाइन होकर हमसे जोड़ सकते हैं लव क्लासेस का मतलब है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ नहीं सीख पाते हो तो आप यहाँ सीख पाओगे सो स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे द रिबेलियन इन फॉरेस्ट। में हुए रिबेलियन के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे फॉरेस्ट रूल्स ने कल्टीवेशन और फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के लाइफ को इफेक्ट किया फॉरेस्ट रूल्स के बाद फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ के लाइफ में बहुत से बदलाव आए कुछ अच्छे और कुछ बुरे लेकिन क्या आप जानते हैं फॉरेस्ट कम्युनिटीज के लाइफ में आ रहे बुरे चेंजेस के अगेंस्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट कम्युनिटीज ने रिबेल किया कुछ लीडर्स को तो हम आज भी याद करते हैं जैसे कि छोटा नागपुर के बिरसा मुंडा आंध्र प्रदेश के सीतारामा रजू आज हम ऐसे ही एक रिपेलियन को डिस्कस करेंगे जो कि 1910 में किंगडम ऑफ बस्तर में हुआ तो आइए स्टूडेंट्स आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये बस्तर क्या है जैसे कि आप सभी इस मैप में देख सकते हैं बस्तर छत्तीसगढ़ के मोस्ट पार्ट पर सिचुएटेड है जो उड़ीसा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर को कवर करता है उड़ीसा महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश बस्तर बस्तर का सेंट्रल पार्ट एक प्लेट्यू है जहां से एक रिवर गुजरती है इस रिवर का नाम है इंद्रावती स्टूडेंट्स यहां बहुत सारे कम्युनिटीज़ रहते हैं जैसे कि मोरियागों भात्रास और हलबास ये कम्युनिटीज़ डिफरेंट लैंग्वेज का यूज करता है लेकिन इनके कस्टम और बिलीफ सेम हैं। बस्तर एक रीजन की तरह है जानते जहां बस्तर एक रीजन की तरह है जहां बहुत सारे विलेजेस हैं जानते हैं स्टूडेंट्स बस्तर के लोग मानते थे कि हर विलेज को थ ने दी है इसलिए उनका फर्ज बनता है कि वो हर एग्रीकल्चर फेस्टिवल पर अर्थ की पूजा करें अर्थ के साथ साथ बस्तर के लोग स्प्रिट्स ऑफ रिवर माउंटेन्स और फॉरेस्ट में भी विश्वास रखते थे विलेज को अपनी बाउंड्रीज का पूरी तरह एहसास था और हर विलेजर अपने बाउंड्री में रहते हुए ही नेचुरल रिसोर्स का यूज करते थे अगर किसी भी विलेजर को किसी दूसरे फॉरेस्ट से वुड कलेक्ट करनी होती तो वो छोटी सी फीस देकर वुड को कलेक्ट कर सकते थे फीस को डंट या मन कहा जाता है डंट या मन स्टूडेंट्स हर साल सभी विलेजर के हेटमिन को बुलाया जाता बुलाया जाता था एक मीटिंग के लिए ताकि सभी तरह के इश्यूज को डिस्कस किया जा सके बस्तर में रहने वाले लोगों के बारे में तो जान लिया है चलिए स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि बस्तर में रहने वाले लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेल क्यों किया इसके मेनली थ्री रीजंस थे रीजन नंबर फर्स्ट टू थर्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर मेड इन टू रिजर्व फॉरेस्ट शिफ्टिंग कल्टिवेशन हंटिंग एंड यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस वॉस बैंड 1905 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने टू थर्ड फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया हंटिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन और फॉरेस्ट प्रोडक्ट के यूज पे भी बैन कर दिया जानते हैं स्टूडेंट्स थोड़े समय बाद कॉलोनियल गवर्नमेंट ने विलेजर्स को रिजर्व फॉरेस्ट यूज करने की परमिशन तो दी लेकिन एक शर्त पर कि उन सभी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए फ्री में काम करना होगा और इसीलिए उन्हें फॉरेस्ट विलेजर्स का नाम दिया गया रीजन नंबर टू फोर्स टू पे लैंड रेंट फ्री लेबर एंड फ्री गुड्स टू ब्रिटिश ऑफिशियल विलेजर्स को बहुत ज्यादा लैंड रेंट देने के लिए मजबूर किया गया और कभी कभी तो कॉलोनियल ऑफिशियल फ्री गुड्स और फ्री लेबर की भी डिमांड करते थे रीजन नंबर थ्री थ्राउन एट एनी पैर लीगल नोटिस आर कंपनसेशन विजर्स को बिना किसी लीगल नोटिस के और कंपनसेशन के घर से डिसप्लेस कर दिया जरा सोचे स्टूडेंट्स इन्हें उनके ही घर से बिना किसी रीजन के निकाल दिया गया सो so स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर यही पैंट होता है आप लोगों को क्या करने हैं आप लोगों को इन लेक्चर्स को या प्रीवियस लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देखना है साथ ही साथ इन लेक्चर्स को अपने कॉपी पर नोट no डाउन करने हैं थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स हैट ए गुड डे